हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं मुबशर। सो गाइस, लेकर आ गए हैं नाना पाटेकर और परेश रावल के बेस्ट कॉमेडी और डायलॉग सीन्स। काफी लोग कह रहे थे यार ओल्ड मूवीज भी करो, मजा आएगा, तो लेकर आ गए यार। सजेस्ट किया करो प्लीज, जोन सा सीन, जोन सी पसंद आए वो रैक करवानी है तो उसके सीन प्लीज लाजमी सजेस्ट किया करो। हम बॉलीवुड साउथ इस पे सारे क्लिप्स वगैरह करेंगे, मूवीज तो उस पे आ रही हैं जिस पे जवान आ रही है। हाँ, पाकिस्तानी रियल एंटरटेनमेंट तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो गाइज, इसको भी कर लो। तो भाई देखते हैं कैसा होने लगा सीन, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इधर तू रहता किधर है? अभी तो यही खड़ा हूँ, समझ ले यही मेरा घर है। समझ गया। इस दुनिया में अकेला है ना जिसका कोई नहीं होता, उसका लक्ष्मीदास होता है। देख, ये बस्ती मेरी है तो आज से तू भी मेरा है, आज से तू मेरा बेटा है। हाँ, और इस बस्ती का किराया तू वसूल करेगा। ये ले धनिया, इस महीने का बस्ती का भाड़ा 32,880 रुपए बारह आने। बारह आने कम है, ये ले 150 रुपए, इसमें और भी कम है। वो मेगा दीक्षित ने नहीं दी होंगी, मैं जानता हूँ। ये लड़की जब पहली बार इस बस्ती में आई अकेली, मैंने बोला इसके खाने के वांदे, इसके रहने के वांदे, रहम खाया, रहेगी कहाँ है, रहम खाया। यही पाप किया ना मैंने, यही पाप किया मैंने। अब जब मैं उसे किराया मांगने जाता हूँ, कागज पूछती है, मुझे बोलती है तेरे झोपड़े नाजायज है, मैं अखबार में लिख दूंगी, पुलिस को बोल दूंगी। ऐसे लोगों से डरना ही अच्छा है, ऐसे लोगों से डरना ही अच्छा है भाई। नहीं डरता कौन है, लेकिन जब भी मिलती है ना तो भाषण झाड़ती है। एक बार कभी भिड़ जाऊंगा ना तो ऐसे बराबर कर दूंगा उसके अखबार के। चल तू अपने राशन की बात कर यार। नहीं दिया तो क्यों, भूल गया क्या? बड़ा पत्थर कुआ बेटा फिटो, ये बड़ा हो गया। अरे इधर मारने का नहीं, इधर मालूम है छोटा दिमाग होता है, मालूम है। देख इधर, अरे मालूम है छोटा दिमाग होता है, बचपन से मारो, अभी तक मरा है क्या? शारीरिक संतुलन, ये ले तेरे पांच पत्तों की हरियाली ले और ऐश कर जा। क्या पप्पू, पांच पत्तों की और मेरी जेब खर्ची। आ जा बेटे, आ जा, आ जा तू, आ जा मेरे को 500 रुपए दिए। देख क्या हवा रही, देख दिन भर तो कुछ काम धंधा तो करता है नहीं, मोटरसाइकिल चमकाते रहता है। ये ले, ये क्या 100? अरे नसीब वाला है, मेरा बाप तो मुझे 10 रुपए देता था, उसको 500 दिए। नसीब वाला है, ऐसा बाप तुझे कहाँ मिलेगा? जा ऐश कर, ऐश कर जा, ऐश कर जा। उसको सब नसीब वाला है यार, उसको 500 दिए भाई। इसको भी इसी ने बड़ा किया ना। काश आज इसकी माँ जिंदा होती। ये उसका लगता है कंजूसी की खाई में बेटा अपने प्यार को दफना रहा। अरे करो भी तो क्या करो, मैं ले देता। कंजूस बात तूने देखा है? नहीं। अब मरेगा तो पैसे साथ लेके जाएगा? नहीं, बचपन में माँ गुजर गई, इकलौता लड़का हूँ और जेब खर्च 100 रुपए। अरे आज की डेट में 100 रुपए कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं। फीस बचाने के चक्कर में जो कॉलेज नहीं भेजा था। हाँ। मुझे लगता है पैसे के चक्कर में मेरे प्यार की भी खटिया करके खटिया। अरे मैं बताता हूँ कैसे। इधर आ, ये देख ममता के लव लेटर्स, एक एक लव लेटर 25-25 रुपए का है। उसने मेरे जन्मदिन पे 25,000 रुपए खर्च किए थे। अभी 100 रुपए के साथ उसका जन्मदिन मना या मरण दिन? अच्छा उसका जन्म, देख इस 500 रुपए से काम चल सकता है। अरे इससे क्या होगा यार, अरे कमाल है, बच्चा समझ के कंधे पे लिया तो कान में मुद्दा है। अरे तू नहीं जानता, वो शहर के माने हुए बिल्डर योगराज की बेटी है। अरे 500 रुपए तो यू उड़ाती है। देख प्रताप, तू कुछ भी कर, बापू को पटाके एक 5,000 रुपए दिलवा दे। तू जानता है ना तेरी बात नहीं टालेंगे। अरे ममता के होने वाले मियां, तू अपने बाप को अच्छी तरह जानता है। उसके सर के बाल झड़ेंगे तो उसका टूथब्रश बनाकर वो अपना मुंह साफ करेगा। उसके पास से 5,000 रुपए लाना मतलब भूखे शेर के मुंह से बोटी किनने के बराबर है। लगता है धनतेरस की पैदाइश है। हर बात पे लक्ष्मी भेजना तो बहू के रूप में भेजना, ताकि घर में आए और स्थिर हो जाए। और मेरी लक्ष्मी पे नजर डालने वाले का मुंह काला कर देना माँ। जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण वासुदेव, जय लक्ष्मी नारायण वासु। ये क्या प्रथा, तूने चोरी की? यार कैसी बात करता है, एक अच्छे कार्य के लिए मैंने तेरे बापू का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया उसको चोरी बोलता है। वैसे वो लुढ़क जाएगा तो इस लक्ष्मी का वारिस तू ही तो है, अपने जेब में हाथ डाले को चोरी थोड़ी बोलते हैं। कहीं बापों को मालूम पड़ गया ना, मिर्गी आ जाएगी यार। उनकी हरकतों को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पैसे गिनते नहीं तोलते हैं, उनका कहना है लक्ष्मी गिनने से कम हो जाती है। हर महीने का जो भी भाड़ा आता है ना वो ऐसे सोच मत यार, फूंक गिनता नहीं है। ठीक है प्रताप, जो होगा देखा जाएगा, मगर पार्टी में तुझे भी आना पड़ेगा। एक काम कर, ये चेन पहन,
कबन में से शर्ट निकाल और जरा सेक्सी बन जा। लेकिन हम इनका रिएक्शन रिलेशन अच्छे हैं। यू वांट मी टू डांस लाइक माइकल जैक्सन? अरे चलना यार। चोरी करके ले आया, गिनता नहीं आया। अब आपके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता भाई जी, कोई नहीं बचा सकता। पुलिस खिलाफ, कानून खिलाफ, सरकारी अफसर खिलाफ, नेता खिलाफ, हम आदिवासियों को बचा लीजिए बहन जी। बहन जी वहाँ पर बोलो, वहाँ होटल खोलना चाहते हैं, इस मुसीबत से हमें बचा लीजिए बहन जी। इस तरह डर डर कर कब तक जियोगे तुम लोग? हम बेबस लोग और कर भी क्या सकते हैं? पुलिस और गुंडों की ताकत मिलकर बस्ती को उजाड़ देगी, और हम बगावत करें तो भी किसके सामने? ये है बगावत। कल इस आर्टिकल के छपते ही जितने खरीदे हुए नेता है ना, उतने खोजे नहीं जाएंगे। और कल तक जो तुम्हारे भक्षक थे ना, वही तुम्हारी रक्षा के लिए तैनात हो जाएंगे। वाह 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 करम वाली भाई वाह, अखबार के दम पर गरीबों के झोपड़े बचाने निकले हैं। वाह वाह, लेकिन वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे, अब तो धंधा बन गया अखबार। पैसा कमाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हेडलाइन छापते हैं ये लोग। बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी, मजाक होगा ये तुम्हारा अखबार। और एक बात जानती हो, तुम्हारे अखबार पर सुबह बच्चे हंसते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है, अखबार में बहुत ताकत है, तक पलट देता है अखबार। सहमे हुए लोगों में ज्वाला भड़काकर क्रांति लाता है ये अखबार। अरे 47 से कौन सा तख्त पलटा? जो लोग गीता रामायण कुरान पढ़कर नहीं जागे, वो तुम्हारा अखबार पढ़कर कौन सी क्रांति लाएंगे? सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको, सोने दो सोने दो। अरे जगाया तो जिंदा लोगों को जाता है, मुर्दों को नहीं। यहाँ है कौन जिंदा? ना इश्क में हो जनरेशन गैप, हम मिलके करेंगे आज। लव रैप टिंग डिंग टिंग डिंग, लव रैप टिंग डिंग टिंग डिंग, लव पक्की बातें करता है, सच्ची बोलता है। और भाई उसको दिया, अच्छा उसने इस तरह उठा के गिन के रख दिए ना, फिर मतलब उसके अच्छा इसको 500 दिए, उसको 100 रुपए, कहता तो कुछ करता नहीं है। कहता है उसने मेरे जन्मदिन पे 25,000 उड़ाए थे और मैं ये 500 उससे भी 500 ले लिए ना, और फिर उसने चोरी कर दी। मतलब 5,000 रुपए उसको, अच्छा उसे भी नहीं गिने, सीधे आती है सेफ पे। वो बस पहले एक ही बार गिनता, बार आने कहता है काम में उसने डाल दिया। यार क्या दिमाग है उसका यार, भाई यार जबरदस्त। मतलब बचपन में उसको रखा है उसका कोई, और लगता है वही लड़की है जो 150 रुपए हमेशा कम देती है शायद। पत्रकार है ना, तो वही मैंने आपको तभी बोला वही लड़की है, पत्रकार है कि मतलब अखबार में डाल दूंगी कुछ भी कह लो। तो कहता है ऐसी उसे पंगा लेना ही नहीं चाहिए जो अखबार में खतरा है। उसने रटा हुआ सब, हाँ उसने सब कुछ रटा हुआ है। मैंने पार्टी करके यार जो डायलॉग हंसते बड़े बाजता यार, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था यार।